नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीके गोरखपुरी के इस नए वीडियो में। आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री रिलेटेड वर्ड मीनिंग यानी कि रसायन से जुड़े शब्दों की इंग्लिश, जैसे कि रासायनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, परमाणु, अणु, अम्ल, धातु इत्यादि। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रासायनिक। रासायनिक को इंग्लिश में केमिकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जैव रसायन विज्ञान। जैव रसायन विज्ञान को इंग्लिश में बायो केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रकाश रसायन। प्रकाश रसायन को इंग्लिश में फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन को इंग्लिश में कोलेन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अणु। अणु को इंग्लिश में मोलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अणु बंधन। अणु बंधन को इंग्लिश में मोलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अणु सूत्र। अणु सूत्र को इंग्लिश में मोलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कण। कण को इंग्लिश में पार्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कार्बनिक। कार्बनिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकार्बनिक। अकार्बनिक को इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है धातु। धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रियाविधि। क्रियाविधि को इंग्लिश में मेथोडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बहुलकीकरण। बहुलकीकरण को इंग्लिश में पॉलीमेरिजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है संरचना। संरचना को इंग्लिश में स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिद्धांत। सिद्धांत को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जल। जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कठोर जल। कठोर जल को इंग्लिश में हार्ड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मृदु जल। मृदु जल को इंग्लिश में सॉफ्ट वाटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जलवाष्प। जलवाष्प को इंग्लिश में वाटर वेयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जलयोजन।
जलयोजन को इंग्लिश में हाइड्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रंगहीन गैस। रंगहीन गैस को इंग्लिश में कलरलेस गैस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उबालना। उबालना को इंग्लिश में बॉइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ताप क्षमता। ताप क्षमता को इंग्लिश में हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है घोलना। घोलना को इंग्लिश में डिजॉल्व कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लवर। लवर को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटेलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईंधन। ईंधन को इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दहन। दहन को इंग्लिश में कॉम्बस्चन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सड़न। सड़न को इंग्लिश में डीकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दुर्गंध। दुर्गंध को इंग्लिश में डिओडोरेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में मोलारिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ध्रुवी। ध्रुवी को इंग्लिश में पोलर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शुद्धता। शुद्धता को इंग्लिश में एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दबाव। दबाव को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी को इंग्लिश में रेडियो एक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में सेमी कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रदूषित। प्रदूषित को इंग्लिश में पोल्यूटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है भारयुक्त। भारयुक्त को इंग्लिश में ओनेरस कहते हैं।